अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आप लोग व्लॉग देख के पहचाने गए होंगे, जान ही गए होंगे कि मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी इस वीकेंड वेजिटेबल होलसेल मार्केट, अलसफा जद्दा में मौजूद है। यहाँ पे आपको हर टाइप के वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल जाएंगे, ईजिली अवेलेबल रहते हैं। तो हम लोग शाम में 4:30 बजे घर से रवाना हुए थे, क्योंकि काफ़ी दूर है हमारे घर से। विद इन 40 मिनट्स लगते हमारे घर से वहाँ तक पहुँचने में, तो हम लोग निकल गए थे। बट बाय लक हमारा लक इतना अच्छा नहीं था कि हम जल्दी पहुँच पाए। हमें काफ़ी रश मिला, काफ़ी ट्रैफिक मिला। इस बीच अरसलान हमजा को भूख लग गई थी, तो मैंने उन्हें एप्पल दे दिया था। हम दोनों एप्पल इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे और साथ में मस्ती भी कर रहे थे। और हमें इतना ट्रैफिक मिला है रास्ते में कि हमें 40 मिनट्स लगने थे वो हमें 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया। और हमें पहुँचते पहुँचते 5:30 हो गया था। हम लोग घर से 4:30 बजे निकले थे। अगर आप लोग गूगल में अलसफा होलसेल मार्केट सर्च करेंगे तो वो इजीली आपको गूगल में मिल जाएगा। कितना ज़्यादा रश है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। फाइनली हम लोग ने जो हाईवे था उससे हम लोग ने यूटर्न लेके फाइनली हम लोग पहुंच गए थे होलसेल मार्केट अलसफा जद्दा में, जो मौजूद है। यहाँ देखिए हमजा मस्ती कर रहा है। ये थोड़े से कैश निकाल रहे थे, कैश थोड़े से कम था, तो ये बोले थोड़े से और निकाल के रख लेता हूँ, कम ज़्यादा तो होता है। कुछ पसंद आ गया कि यार आज ये फूड ट्राई करते हैं, आज ये वेजेस ले लेते, तो वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना। तो ये देखिए यहाँ का ये अभी एंट्रेंस है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे मार्केट के अंदर। काफ़ी बड़ा है मार्केट है, यहाँ पे सब चीज़ अलग अलग जगह पे डिवाइड है। आपको खजूर अलग जगह मिलेंगी, आपको फ्रूट्स का एक एरिया डिसाइड है जहाँ पे सिर्फ आपको फ्रूट्स ही फ्रूट्स मिलेंगे। तो हम लोग ने जब स्टार्टिंग में जब एंट्री ली थी तो सबसे पहले हमें फ्रूट्स मिले। ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन से फ्रूट्स लगे हुए। इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में उसका और अच्छे से विजिट कराती हूँ, क्या क्या फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं, क्या फ्रूट्स रहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं गई हूँ लेने के लिए ग्रीन वेजेस, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था और अजान होने वाली थी, शॉप्स बंद होने वाली थी। तो इन्होंने कहा कि पहले आप हल्के हल्के सामान ले लो जो अपन ईजिली कैरी कर लेंगे, फिर अपन को क्योंकि रुकना ही पड़ेगा क्योंकि अजान होने वाली थी मगरिब की। तो मैंने सबसे पहले ग्रीन वेजेस लिए हैं जो नॉर्मली घरों में यूज़ होते हैं, धनिया। ये 3 आइटम्स 4 आइटम्स मैंने यहाँ से लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमें टमाटर दिखे। तो ये देखिए आप टमाटर यहाँ पे 2 कैटेगरीज में रखे, एक छोटे छोटे कार्टून्स में रखे हुए थे, एक बड़े वाले और उसके बड़े भी रखे हुए। तो आपको जो जिस तरीके का लेना हो, या तो छोटा या बड़ा। तो हम लोग की तो फैमिली छोटी, तो हम लोगों ने एक छोटा वाला कार्टून उठा लिया। उसके बाद हम लोग गए फ्रूट वेजिटेबल्स की तरफ। तो वेजिटेबल्स में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कार्टून्स में रखे हैं। इस तरह आपको मैं आगे भी दिखाऊंगी कि ये बड़े कार्टून्स में भी रखे रहते हैं। तो मुझे उतना ज़्यादा था मेरे लिए, तो मैंने जो कैरी पैक में पैक थे ये 10 रियाल के 3 थे, तो मैंने यहाँ से ये उठा। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा है, ये हम लोग की लिमिट के बाहर है। बट मुझे आप लोग को बताना था कि किस तरीके से होलसेल में रखा रहता, बल्ब में ये रखे हुए हैं, जो कि जिसके यहाँ पार्टी होगी या फिर किसी का होटल या रेस्टोरेंट है और किसी घर पार्टी होने वाले, तो वो अलसफा चले जाइए होलसेल मार्केट में। वहाँ पे इजीली सस्ते में आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, फ्रूट्स मिल जाएंगे। ग्रीन वेजेस लिया ही था, उतने में अजान हो गई थी मगरिब की, तो शॉप्स आप देख सकते हो बंद है अभी। तो हम लोग वेट कर रहे थे, अरसलान हमजा अपना खेल रहे थे। फिर उसके बाद फाइनली शॉप्स ओपन हुई हैं। शिमला मिर्च देखिए कितनी सारी रखी हुई है यहाँ पे,
टाइप्स ऑफ शिमला मिर्च है, कैरेट है, टिंडे बोलते हैं इसे, ये देसी ककड़ी है। ये अपने इंडिया पाकिस्तान जो भाई बहन आसानी से जानते होंगे कि देसी ककड़ी है, बहुत टेस्टी लगती है। इसके अलावा भट्टे ग्रीन लौकी है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये लौकी है, छोटी छोटी गोल गोल लौकी थी, बड़ी अच्छी खूबसूरत दिख रही थी। इस ककड़ी को कौन पहचानता और किस किस ने अपने बचपन में इस ककड़ी को खाया हुआ है। इस ककड़ी में अगर नमक और लाल मिर्च लगा के बचपन में मैंने तो बहुत मज़े किए और बहुत खाए। क्या आप लोग ने खाए इस ककड़ी को, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। जो भी फ्रूट चाहिए, जो भी वेजिटेबल्स चाहिए, आप बस अलसफ़ा के थोक मार्केट चले जाइए, ईजिली आपको हर टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए भिंडी रखी है, गाजर रखी है, ककड़ी रखी है, हरी मिर्ची है, भट्टे हैं, गोभी है, लौकी है, शिमला है, गिलकी है, टिंडे हैं, सब चीज़ अवेलेबल है। बस हम लोग विज़िट ही कर रहे थे कि नमाज फिनिश हुई और शॉप्स ओपन हुई हैं। अरसान हमजा खेल खेल के, इन्हें प्यास लग गई थी तो ये लोग चले गए पानी लेने के लिए सबसे पहले, तो इन लोगों ने सबसे पहले पानी लिया है। तो अब देखिए लोग आ रहे नमाज़ पढ़ के, तो शॉप्स ओपन होंगी। और बस हम लोग का रह गया था, हम लोग की वेजिटेबल्स तो हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उन्हें ले ली थी। हम लोग को सिर्फ अब प्याज और आलू लेना था, तो फटाफट हम लोग गए प्याज और आलू लेने के लिए, वो लिए और फिर वहाँ से रवाना हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट में आपको कि फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं, कि आपको ज़्यादा नहीं लेना है थोक में, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते। तो लोग इस तरीके से रखते हैं यहाँ पे। ये इसका प्राइस जो है वो 5 to 10 रियाल रहता है, और बार्गेन करने में थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, सीज़न के हिसाब से भी रहता है कि वैल्यू कि किस फ्रूट की कैसी ज़्यादा है कम है। तो मैंने फटाफट यहाँ से थोड़े से फ्रूट्स लिए हैं, प्लान ने सामान रखा गाड़ी में, और फिर हम लोग फटाफट यहाँ से निकले हैं। और निकल के हम लोग को एक्चुअली जाना था मैक्स, देखा था कि वहाँ पे सेल लगी हुई है, तो हम लोग ने कहा कि चलो ज़रा देख कर आते किस तरीके की सेल है, क्या है करके। तो बस हम लोग वहाँ के लिए रवाना हुए हैं। ये जो सेल है वो लगी हुई है जद्दा के हीरा रोड पर है, डोम मॉल जो है वहाँ पर मैक्स में ये सेल लगी हुई है। काफ़ी अच्छे कपड़े मिल रहे हैं बच्चों के, छोटे बेबीज़ के, बड़ों के भी, सिर्फ 5 to 10 रियाल में लगा हुआ था। हमने कहा चलो विंडो शॉपिंग ही सही, जब देख कर तो आए, वीकेंड भी था, जुमे का दिन था, जुमे के दिन ही हम लोग अक्सर घूमने निकलते, बाकी दिन तो हो नहीं पाता हम लोग का कहीं आना जाना, तो हम लोग वहाँ के लिए निकले। बट इतना रश, इतना ट्रैफिक रहता है जुमे के दिन कि जहाँ आपको 5 मिनट में पहुँचना है, वहाँ पे आपको तो 15 से 20 मिनट तो लगने ही है 5 मिनट में, और जहाँ आप कॉल लंबा डिस्टेंस तो फिर वो बढ़ ही जाता है। फिर ये जो सामने आपको दिख रहा है ना गुम्बद की तरह या मस्जिद की तरह, इसी मॉल पे हम लोग को जाना था, और इसी मॉल पे लगी हुई थी ये सेल, अभी लगी उस तरफ से आए थे, फिर हम लोग यू टर्न लिया और अब ये मॉल आ गया है। मेरे ये राइट हैंड साइड में मॉल था, और फिर इन्होंने जल्दी जल्दी फटाफट पार्किंग करी है और हम लोग फिर मॉल के अंदर गए हैं। तो देख सकते हैं आप कि मॉल के अंदर जब हम पहुँचे थे तो काफ़ी रश, काफ़ी भीड़ थी, कंजेस्टेड, तो हम लोगों ने 5 से 10 मिनट हार्डली वहाँ पर सिर्फ विंडो शॉपिंग करी और वहाँ से घर के लिए रवाना हो गए। बच्चों को और इन्हें काफ़ी भूख लग गई थी, काफ़ी थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, तो बस हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं घूम पाया, बट अच्छे कपड़े थे, अच्छी सेल थी। इसी के साथ मैं चलिए अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।